नमस्कार दोस्तों, टेक मोदी जी आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिश मोदी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक टुडे एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों पहली खबर ये आ रही है, आज से स्नैपडील और पेटीएम पे सेल शुरू हुई है। तो जो मेरे दोस्त अभी ख़त्म हुई फेस्टिवल सेल्स में चुक गए हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। ये सेल पेटीएम पे 12 से 14 अक्टूबर के बीच चलेगा और स्नैपडील पे ये इलेक्ट्रॉनिक सेल हो रहा है, जिसमें हर घंटे आपको एक नई डील मिलेगी जो एक दिन चलेगा। अगली खबर ये आ रही है कि Huawei अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Mate 9 को लॉन्च कर सकती है, जिसके मद्देनज़र उसने Mate 8 के प्राइस कट की है। तो Huawei Mate 9 में क्या हो सकता है, तो उसमें Kirin 960 प्रोसेसर हो सकता है, 6GB रैम प्लस 256GB रोम के साथ आ सकता है। उसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी बैटरी हम क्विक चार्जिंग के साथ आ रहा है फ़ोन, जिसके 50% चार्ज करने में आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेगी। फ़ोन में रियर कैमरा 12MP प्लस 12MP का ड्यूअल लेंस कैमरा है और फ्रंट कैमरा 8MP का है। अगली खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi ने आज चाइना में लॉन्च का भरमार खड़ा कर दिया है। तो Xiaomi ने पहले लॉन्च किया एक स्मार्ट इंडक्शन प्रेशर कुकर, जिससे हम पता लगा सकते हैं अपने फ़ोन के जरिए कि प्रेशर कुकर का टेम्परेचर कितना है, उससे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरी खबर ये आ रही है कि अभी MI ने अपना MI TV 3S लॉन्च किया था, उसका एक कर्व वर्जन लॉन्च किया, MI TV 3S कर्व, जिसकी प्राइस तकरीबन 90,000 रुपये हो सकती है। तीसरा, MI ने वाटर प्योरीफायर लॉन्च किया है। अगली खबर ये आ रही है कि काफ़ी समय से MIUI 9 की तस्वीरें लीक हो रही है, जिससे MIUI की टीम ने खारिज कर दिया है। MIUI की टीम ने कहा कि ये एक फेक इमेज है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।